क्या एजाज खान अरेस्ट हो गए? हर्ष वेनीवाल ने किसको लास्ट वार्निंग दी है गाइस? एल्विश यादव ने कौन सी बड़ी रिक्वेस्ट करी अपने फैंस लोगों से? हर्ष वेनीवाल और पूरब झा जो अभी पैरोडी वीडियो बना रहे एजाज खान के ऊपर, तो क्या उसको देख के एजाज खान भड़क गए? क्या एजाज खान ने उनसे सॉरी बोला? इनका और एमबीबीए का जो अभी डिस गेम चल रहा है गाइस, ये कितना लंबा चलने वाला है? या ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को पूरा एक्सपोज कर दिया है? तो हे गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग? मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, आज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं गाइस, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आता हूं। आप लोगों को देखकर गाइस सच में मजा आ जाएगा, कौन अरेस्ट होने वाला है, कौन ने किसको सॉरी बोला। सो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है आज की, सो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, आप लोग पूरे अपडेट हो जाओगे जो भी इंटरनेट पे चल रहा है गाइस, वीडियो जरूर देखना एंड तक। तो गाइस, सबसे पहले अपन बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। तो क्या गाइस, विराट कोहली ने क्रिटिसाइज किया है शुभमन गिल को? सो गाइस, अभी विराट कोहली का एक वीडियो जो कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिधर गाइस वो शुभमन गिल को क्रिटिसाइज करते हैं। पहले मैं दोस्तों आपको वो वाली वीडियो दिखा देता हूं जो कि अभी सर्कुलेट हो रही है पूरे सोशल मीडिया पे, उसके बाद उस वीडियो की सच्चाई दिखाऊंगा। आप पहले गाइस वीडियो देखिए, ये वाली। वाचिंग गिल क्लोजली, ही इज टैलेंटेड नो डाउट, बट देयर इज अ बिग गैप बिटवीन शोइंग प्रॉमिस एंड बिकमिंग अ लेजेंड। गिल्स टेक्निक इज सॉलिड, बट लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। पीपल टॉक अबाउट द नेक्स्ट विराट कोहली, बट लेट मी बी क्लियर, देयर इज ओनली वन विराट कोहली। आई हैव फेस्ड द टफेस्ट बॉलर्स, डिलीवर्ड इन द मोस्ट इंटेंस सिचुएशंस एंड डन इट कंसिस्टेंटली फॉर ओवर अ डेकेड। यू कांट रेप्लिकेट दैट विद जस्ट अ फ्यू गुड इनिंग्स। इफ आई मेक द रॉन्ग डिसीजन, आई सिट आउटसाइड एंड आई क्लैप ऑल डे। इन इंडियन क्रिकेट देयर इज द गॉड एंड देन देयर इज मी, दैट्स द बेंचमार्क। गिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर रीचिंग दैट लेवल। सो गाइस, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि विराट कोहली शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सो दोस्तों मैं बता दूं, ये वाली वीडियो फेक है। यस गाइस, किसी ने वीडियो को एडिट करके एआई से विराट कोहली की वॉइस को जनरेट करके वीडियो को पोस्ट किया हुआ है। आप लोगों ने कई सारे सेलिब्रिटीज के फेक वॉइस वाले वीडियोस जरूर से देखे होंगे जो कि काफी सारे लोग एआई से एडिट कर देते हैं, सेलिब्रिटीज की एआई से वॉइस जनरेट कर लेते हैं। सो गाइस, उनमें से ही एक ये वाली वीडियो है, एआई से यूज करते हुए ये वाली वीडियो बनाई हुई है विराट कोहली की। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, एल्विश यादव के बारे में। सो गाइस, एल्विश यादव अपने फैन से एक रिक्वेस्ट करे। वैसे तो एल्विश यादव कई बार अपने फैन से ये वाली रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने कई बार अपने पास्ट के ब्लॉग्स में ये वाली रिक्वेस्ट करी हुई है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी हुई है अपने फैन से, आप खुद देखिए। भाई मुझे नहीं पता मैंने कितनी बारी देखा होगा तुमने जो मेरे को पुराने से फॉलो कर रहे हैं, मैंने कितनी बारी हाथ जोड़ जोड़ के विनती करी आप सभी लोगों की मेरे घर मत आया करो यार, घर वाले सो रहे होते हैं, दोपहर में आ जाते हैं लोगों की, भाई एल्विश भाई है नहीं है। देखो आपका प्यार मैं बिल्कुल समझता हूँ, बट यार मेरी रिक्वेस्ट भी तो समझो ना भाई, कितनी बारी मना कर रहे उसके बाद भी लोग आ जाते हैं, ऐसे नहीं कि कभी कभी आ रहे, रोज आ जा रहे, हर टाइम पे आ जा रहे हैं। अभी मैं बाहर निकला, एक भाई बाहर बैठा मोटरसाइकिल पे, उससे पहले मैं अंदर सो रहा था, मम्मी भी सो रही थी, बाहर से गेट बज रहे अंटी अंटी करके, यार ये मत किया करो यार। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, पूरब झा के बारे में, एजाज खान के बारे में और हर्ष वेनीवाल के बारे में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि हर्ष वेनीवाल और पूरब झा एक पैरोडी वीडियो लेकर आने वाले एजाज खान के ऊपर, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा टीजर भी इसका अपलोड किया हुआ था, आई गेस आप लोगों ने देख लिया होगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में गाइस ये भी बताया था कि हर्ष वेनीवाल को और पूरब झा को एजाज खान गाली भी दिए थे। अब गाली क्यों दिए थे एजाज खान इन दोनों को, क्योंकि एजाज खान को पता चल गया था कि ये दोनों मेरे ऊपर पैरोडी वीडियो लेकर आने वाले हैं। सो एजाज खान ने काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोला पूरब झा को और हर्ष वेनीवाल को, काफी ज्यादा गालियां दी है हर्ष वेनीवाल को और पूरब झा को गाइस। सो दोस्तों आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि एजाज खान ने क्या क्या बोला हुआ है हर्ष वेनीवाल को पूरब झा को। बट गाइस मैं अभी आपको बता दूं, जो उन्होंने गाली दी हुई है उसका अभी उनको अफसोस हो रहा है, अभी उनको रिग्रेट हो रहा है। मैं आपको उनकी व्लॉग की छोटी सी क्लिप दिखाता हूं गाइस जिसमें कि वो रिग्रेट कर रहे हैं। पहले आप उनकी व्लॉग की छोटी सी क्लिप देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। आप देखिए, भाई कोई हमको गालियां देना देने दो, तुम लोग मत दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, कोई मुझे गालियां देता है ना देने दो। मेरे को आज मेरे अपा ने एक बात बोली, बड़ा मजा आ गया मेरे को, कि बेटा कोई गालियां देता है ना तो उसको दवा दे, दुआ दे, दवा ये दे कि वो मरीज है, वो मरीज है कि वो तुझे जाने पहचाने तेरे से मिले बिना वो तुझे गाली दे रहा है, और दुआ इसलिए दे कि वो तेरा भाई है, अल्लाह उसको ठीक करे, उसको हिदायत दे और उसको सही रास्ते पे लाए। तो मेरे भाइयों, गेट वेल सून बोल देने का बोलना बेटा, बीमार हो तुम, मरीज हो, और ये मरीज ठीक हो जाएंगे, इनको मोहब्बत की जरूरत है भाई, मोहब्बत दो रे, मोहब्बत दो। और मैंने जो छोटी सी जो ये बचकाने लोग को थोड़ी सी मैंने वो थोड़ा सा क्या, बच्चे जब बदमाश हो जाते तो उनको सुधारना भी जरूरी है, वो अलग है, बाकी मोहब्बत दो रे, एक दूसरे को नहीं जानते, गाली गलौज क्यों कर रहे हो। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं R2H के बारे में, यानी कि जैन सैफी के बारे में। सो जैन सैफी अपने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड करते हैं जिधर वो लिखते हैं, एक्टर्स फिल्मों से ज्यादा नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट पर आजकल। सो मैं आपको पहले रील दिखा देता हूँ जैन सैफी की, जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी हुई है, आप देखिए। जैन भाई कैसे हो सर? सर कैसे हो? जैन भाई ये फोटो एक्टिंग ना हो रही। जैन भाई मास्क नीचे, मास्क एक्टिंग ना हो रही, एक्टिंग ओवर कर रहा, ओवर जैन के लड़े
तो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, इंडियन बॉलीवुड रिचेस्ट एक्टर के बारे में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट गाइस, शाहरुख खान सबसे ज्यादा नेटवर्क रखते हैं गाइस अपनी। जैसा कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो शाहरुख खान की नेटवर्क है वो है 7,300 करोड़। उसके बाद सेकंड पे जूही चावला एंड फैमिली आती है 4,600 करोड़ पर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं ऋतिक रोशन, जो कि उनकी है नेटवर्क 2,000 करोड़। उसके बाद अमिताभ बच्चन एंड फैमिली 1,600 करोड़। उसके बाद लास्ट में आते हैं करण जौहर, जो कि उनकी नेटवर्क है 1,400 करोड़। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात कर लेते गाइस, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। सो बेसिकली गाइस मैं आपको बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट एक सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। इंडिया में जितने भी क्रिएटर हैं इन्फ्लुएंसर से गाइस वो 8,00,000 रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं। बेसिकली डिपेंड करता है कि उस इन्फ्लुएंसर के उस क्रिएटर के कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतना ज्यादा उनको पेमेंट मिलेगा, उतना ज्यादा वो पैसे कमा पाएंगे। सो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि क्रिएटर्स को और इन्फ्लुएंसर को क्या करना होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होंगे उनकी पॉलिसीज होगी उनको प्रमोट करना होगा अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, यानी कि YouTube पर, Instagram पर एंड ऑल। गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाएंगी तो उसको प्रमोट करना होगा बेसिकली सारे इन्फ्लुएंसर्स को अपने Instagram पर, अपने YouTube चैनल पर, और वही स्टेट गवर्नमेंट खुद उनको पैसा देगी। ऑल्सो गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पॉलिसी के अंडर एक और चीज आती है, कोई क्रिएटर, कोई इन्फ्लुएंसर एंटी नेशनल ऑब्सेंस ऑब्जेशनल वाली कोई बातें करता है या कुछ पोस्ट करता है या कोई एंटी नेशनल पोस्ट करता है, अगर कोई क्रिएटर डिफेमेटरी कंटेंट पोस्ट करता है, अपलोड करता है, तो उसको 3 साल तक की जेल भी हो सकती है गाइस। सो क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को अपने इंडिया के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा नहीं पोस्ट करना है। सो नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं बहुत बड़े लफड़े के बारे में गाइस, जो कि आप लोगों को पता होगा एमए बंटा और किंग के बारे में गाइस। इन दोनों की बीफ चल रही है, अभी बहुत बड़ा डिस गेम चल रहा है। इन दोनों की कॉन्ट्रोवर्सी बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। इन दोनों की बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली कॉन्ट्रोवर्सी हो रखी है अभी। दोनों ही रैपर एक दूसरे के लिए डिस सॉन्ग्स अपलोड कर रहे हैं अपने अपने YouTube चैनल पर। सो ये वाली कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट होती है गाइस, तो एमए वंटाई पहले ये वाला सॉन्ग पोस्ट करते हैं रोको 2MG, उसके बाद किंग रिप्लाई देते हैं एमए वंटाई का इस सॉन्ग से, उसके बाद एमए वंटाई दोबारा से किंग को रिप्लाई देते हैं इस वाली वीडियो से। ऑल्सो गाइस मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में जो कि अभी डिस गेम चल रहा है, दोनों एक दूसरे के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर गाने बना के एक दूसरे को डिस कर रहे हैं। किंग भी 24 घंटे के अंदर अपना सॉन्ग बना के पोस्ट कर रहे हैं एमए के लिए। सो गाइस इन दोनों का बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला बीफ चल रहा है अभी, बहुत ही खतरनाक वाले डिस सॉन्ग्स। अगर गाइस आपको सारे डिस सुनने इन दोनों के, कौन ने किसको पहले डिस किया, कौन ने किसको डिस बाद में किया, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में सारे गानों के लिंक दे दूंगा गाइस, आप लोग जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मेरे को गाइस नीचे कमेंट में ये भी बताना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किंग को कर रहे हैं या एमी वंटाई को कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं मैं एमी वंटाई को सपोर्ट कर रहा हूं गाइस, आप लोग अपना अपना बताना कमेंट सेक्शन में। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके सारे सॉन्ग सुन सकते हैं, मैं लिंक लगा दूंगा गाइस। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत बड़ी न्यूज आ रही है गाइस अभी पूरब झा से और हर्ष बेनीवाल से, क्योंकि जो अभी पुनी सुपरस्टार है काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। सो पुनी सुपरस्टार ने लास्ट वार्निंग दे दी है पूरब झा को और हर्ष बेनीवाल को, क्योंकि गाइस अभी आपको पता है कि हर्ष बेनीवाल और पूरब झा पैरेडी वीडियो लेकर आने वाले हैं हजाज खान के ऊपर। ऑल्सो हर्ष बेनीवाल ने भी थोड़ा सा अपनी पैरेडी वीडियो का टीजर अपलोड किया हुआ था इंस्टाग्राम पे। तो यही चीज देखने के बाद पुनी सुपरस्टार काफी ज्यादा गुस्सा है हर्ष बेनीवाल से। पुनी सुपरस्टार ये भी बोलते हैं कि अभी हर्ष बेनीवाल यूज कर रहे हैं पूरब झा का, क्योंकि अभी पूरब झा बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। पूरब झा कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं उनके 5-6 मिलियन 10 मिलियन आ जाते हैं। पुनी सुपरस्टार ये भी बोलते हैं कि हर्ष बेनीवाल पहले अपनी वीडियोस में नहीं लेते थे पूरब झा को, लेकिन अब ज्यादा लेने लगे हैं। सो पुनी सुपरस्टार काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाते हैं हर्ष बेनीवाल के ऊपर। तो दोस्तों मैं पहले आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूं पुनी सुपरस्टार की, जो उन्होंने वार्निंग दी हुई है हर्ष बेनीवाल के लिए। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूं उनकी, आप देखिए। जब बात नहीं बनी हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। ये बड़ा शेर है और इससे आज मैं लड़ा हूं। तो बोला था ना इसको मुंबई लेके आऊंगा और इससे सॉरी बुलाऊंगा। हाँ। तो बेटा पूरा हाँ। मेरा बेटा है तू, बताया था मेरा बेटा, मेरे फैन लोग को मास्क उतार के सॉरी बोल दे। मास्क है ही नहीं, मैं बता, देखो सॉरी मैं बोलूंगा या नहीं बोलूंगा वो आपको वीडियो में पता लगेगा, ठीक है? तो वीडियो आ रही है जल्दी इनके चैनल पे, वो देख लेना। सही बोला ना भाई? जी बोलते हो एक नंबर। हर्ष बेनीवाल तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जो तूने अजाज खान को रोस्ट मारा ना वो वीडियो डिलीट कर दे, ध्यान रखियो। अबे हर्ष बेनीवाल तू पौवा सा तो है अजाज खान के आगे, जहाँ पर अजाज खान के घुटने आते हैं वहाँ तक तेरी हाइट आती है और तू उसको रोस्ट मारेगा। बेटा वीडियो डिलीट कर दे, समझ गया मेरी बात को? इसे जानते हो हर्ष बेनीवाल को? इसकी एक वीडियो देखी है मैंने कि इसमें ये अजाज खान को जो है ट्रोल कर रहा है, उसकी तरह एक्टिंग कर रहा है, उसकी तरह कपड़े पहनकर जो है उसकी बेइज्जती कर रहा है। अबे वो हर्ष बेनीवाल पहले तो मेरी बात सुन, जितने तेरे सर पे बाल नहीं है ना और जितनी तेरी टांगों पे बाल नहीं है उससे ज्यादा अजाज खान मूवी चुका है और उससे ज्यादा शो कर चुका है। और ये जो तू पूरब झा को यूज करके उसके फेम का फायदा उठाकर जो तू फेमस होना चाहता है ना, अपने फॉलोवर बनाना चाहता है, बेटा तेरे को फेम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबको बताया कि तू सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा मतलबी इंसान है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लाइट में चल रहा है तू उसके पास पहुंच जाता है उसका फेम खाने के लिए, समझ गया मेरी बात को? और पूरब झा मैं तुझे भी यही बात बोल रहा हूं, बेटा ये तेरा यूज कर रहा है,
जानकर इस लिया तूने, लड़ाई झगड़ा करा तूने, और ये तेरे फेम का फायदा उठाने के लिए तेरे पास आ गया। इससे पहले तो कभी तेरे को इसने कॉल नहीं करी, इससे पहले तो कभी तेरे साथ इसने वीडियो नहीं बनाई, इससे पहले तो कभी तेरे साथ वीडियो बनाने नहीं आया, इससे पहले तो इसने तेरे साथ कभी बात नहीं की। ये तेरे फेम का फायदा उठा रहा है, तेरी आड़ में ये फेमस होना चाह रहा है। अबे बेटा तू नहीं हो पाएगा फेमस हर्ष बेनीवाल, और पूरा झांको में मैं यही बोलने वाला हूँ कि बेटा इसके साथ बिल्कुल भी वीडियो मत बनाइयो, ये मतलब इंसान है, तेरे को फंसवा के खुद भग जाएगा, ये ध्यान रखियो, बाकी तेरी मर्जी है मेरे भाई। चल बेटा चलता हूँ, और हर्ष बेनीवाल मेरी बात सुन बेटा, वीडियो डिलीट कर दे, कोई भी फायदा नहीं है, अजाज खान तुझे फूक मारेगा, तू यूं ही उड़ जाएगा, समझ गया मेरी बात। ऑल्सो गाइस अभी अजाज खान भी लाइव आए थे रिसेंटली, तो काफी ज्यादा गाली गलौज कर रहे थे अजाज खान पूरब झा के ऊपर और हर्ष बेनीवाल के ऊपर। अजाज खान हर एक शब्द के बाद गाली ही दे रहे थे। मैं पहले आपको अजाज खान की पूरी वीडियो दिखा देता हूँ जो की लाइव आए थे, सो मैं आपको उनकी वीडियो दिखा देता हूँ, मुझे म्यूट करके दिखाना पड़ेगा गाइस, आप लोग देखिए। उसकी और एक दूसरा हर्ष बेनीवाल आयला, तू लोग भूत मारी को सालो, तेरी अंदर छतरी डालूंगा और खोल दूंगा, समझा ना, हर्ष बेनीवाल है ना गाड़ी, सोनी महिवाल बना दूंगा, अंदर छतरी डालूंगा और खोलूंगा, पर करके खुलेगी ना तू महिवाल बन जाएगा, इधर उधर घूमेगा आड़ा तेड़ा होके, और करके अंदर से चप 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 गिनता रहेगा। अब अपने को ऐसा ही रोस्टिंग आता है रे, ठीक है, हम इतने टैलेंटेड नहीं है रे रोस्टिंग में, हम ऐसे ही रोस्ट कर देते, हिंदुस्तानी लोग चार गाली देते ना तो आदमी रोस्ट हो जाता तेरी। सो एजाज खान कुछ भी कर ले, लाइव आके धमकी दे रहे हर्ष बेनीवाल को पूरब झाको, लेकिन उनकी वीडियो जरूर आएगी गाइस, हर्ष बेनीवाल रुकने वाले नहीं है गाइस, उनकी वीडियो जरूर आएगी और आने ही वाली है गाइस, क्योंकि अभी हर्ष बेनीवाल ने छोटा सा अपडेट दिया हुआ है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में ये लगाया हुआ है, सो वो डरने वाले नहीं है किसी भी एजाज खान से। तो गाइस आज के लिए बस इतनी न्यूज थी, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज मिलती रहती है, पर डे चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ गाइस, यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड, सो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो शेयर एंड लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना गाइस, आप एमी वंटा की तरफ हो या किंग की तरफ हो, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जय हिंद।